की मौत की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की और दुर्गेश पाठक और आतिशी की होगी। अभी अबुल हसन एक नाम है जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, टिकट बंटवारे को लेकर एक टावर पर चढ़ गए थे। आज उनके टावर पर चढ़ गए हैं और ये अपने पेपर मांग रहे हैं, तो पार्टी इन्हें पेपर वापस नहीं दे रही है ये इलेक्शन लड़ने के लिए। टावर पर चढ़ गए थे, आज उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नारे लगा रहे हैं। तो अभी अबुल हसन के समर्थकों के नारे भी कुछ हटके देखे जा रहे हैं और हबीबुल हसन जो कि तमाम सीधी टक्कर ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी के टिकट काटे जाने से बड़ा नाराज हैं, उनके समर्थक बहुत बेहद नाराज हैं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की और दुर्गेश पाठक और आतिशी की होगी। तो अभी पहुंच चुके हैं अभी अबुल हसन, उनके समर्थक तमाम समर्थक अभी अबुल हसन के साथ हैं और तमाम लोगों के नारे लगाते हुए अभी अबुल हसन साहब आ गए हैं हमारे बीच में। तो अभी अबुल हसन जो कि एक नाम है जो कि मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, हसन साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आज आप नामांकन भर के आए निकली से? हाँ जी, नामांकन कर दिया है, जीतेंगे लड़ेंगे। सुर्खियों में चल रहा है आपका नाम? हाँ जी, सब जनता की मेरी मेहरबानी। कि आपको अभी भी शिकायत है क्या जो आपकी डिप्ले जारी हुई है? नहीं, अब मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसका फैसला जनता करेगी। और ये अभी अबुल हसन साहब हैं जो कि टावर पर चढ़ गए थे और इन्होंने कहा कि अभी शिकायत कोई नहीं है, उनके तमाम समर्थक हैं। तो क्या किस तरह की किस तरह की जीत देख रही हो अभी अबुल हसन की? हाँ जी, बहुत ठीक, हम जीत कर आएंगे और अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। ये हम नहीं बोलेंगे, हमारे विधानसभा का बच्चा बच्चा बोलेगा और गली में जाओगे आपको खुद पता चलेगा कि रसीबुल हसन जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ये हम नहीं, हमारा एक बच्चा हर एक घर का बच्चा बोलेगा, हर एक घर का कैंडिडेट बोलेगा। क्या लगता है कम्युनिटी का वोट हबीबुल हसन को? हसीबुल हसन ने मेहनत करी है और मेहनत का फल मिलना चाहिए, निर्दलीय वोट मिलेगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने टिकट ना देकर एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया, अच्छा नहीं करा पार्टी ने। क्या लगता है अबुल हसन का हक था? बिल्कुल, मेहनत थी उसकी, छीन लिया गया उनसे, उनका हक उनसे छीन लिया गया। किसी और ने टिकट खरीद लिया 3 करोड़ में, भाई से टिकट छीन लिया, उनका नाम का टिकट था ये। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे कि कोई टिकट नहीं बेची गई। बेची गई है, कोई थोड़ी बताएगा मैंने चोरी करी है, कोई बताएगा कि मैंने चोरी करी है? कल आते कोई बंदा आ जाए वो भी तो यही कहेगा मैंने चोरी नहीं किया है, किसी और का टिकट किसी और को बेच दिया गया है। तो अब सारी की सारी जनता, ये लोग बता रहे हैं कि अभी अबुल हसन के साथ है, अभी अबुल हसन के तमाम जो चाहते लोग हैं अभी अबुल हसन के साथी हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे इन्हें इतने बहुमत से जिताएंगे और आम आदमी पार्टी की तीनों सीटें पे जमानत जब्त कराएंगे, ये जनता ने ठाना हैगा। भ्रष्टाचार जितना कराया ना उसको उजागर करना हैगा। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी अबुल हसन की जीत को हम करवाएंगे, जीत काबिज रहेगी अभी अबुल हसन की। और तमाम ये वो चेहरा हैं जो कि एक टावर पर चढ़ गए थे उसके वजह से सुर्खियों में आए और आम आदमी पार्टी ने इनके पेपर ना देने से इन्होंने एक वार्निंग दी थी और उस वार्निंग के बाद हबीब जी जब आपने वार्निंग दी उसके कितनी देर उसकी कब पेपर आपको कब मिली? मीडिया के सामने उसी समय ऑन द रिकॉर्ड पेपर मुझे मिल गए थे। क्या लगता है कि पार्टी में बाकी कुछ घपलेबाजी है? जी बिल्कुल घपलेबाजी है, जब 2 करोड़ की 3 करोड़ की टिकट बेच रहे हैं। वैसे मैं उनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो 10 करोड़ की बेचे, वो 20 करोड़ की बेचे, वो किसी माफिया को दें, भू माफिया को दें, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।